अरवा चावल को इस तरह भीगा के मिक्सर में डाल के पीसना पड़ता है, और इस तरह से पूरा चिकना होना चाहिए आरसा पीठा के लिए। देखिए दोस्तों, पानी डाले इतना, गुड़ डालेंगे जैसे आधा किलो, 500-600 ग्राम, इसका चाशनी बनाएंगे। ये दोस्तों गुड़ का चाशनी अब बन के तैयार है। इसमें देंगे चावल का आटा। देखिए इसको पहचान करने के लिए पानी में डाले, और पानी में डाल के अंगुली में ऐसे करके पहले पता कर लीजिएगा कि जमा हो रहा है कि नहीं। देखिए जमा हो गया ना। अब इसके बाद इसमें चावल का आटा डालना है, और इसको पूरा मिक्स कर देना है। और मिक्स करके हाथ में थप थप के बनाना है। इसका नाम है गुड़ का आरसा पीठा। देखिए दोस्तों बन के तैयार हो गया ना। इसी तरह उतार उतार देना है, और हाथ में लेके थप थप के ठंडा हो जाएगा। तो अभी बहुत गर्म है, अभी हल्का ठंडी हो जाएगी ना उस टाइम। और उसके बाद छान के गुड़ का आरसा पीठा को तैयार करना है। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, गरम भी हो चुका है। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसे। देखिए डला गया। इसके लिए भी 2 गो झंझरा चाहिए। अब ये बांध के तैयार हो जाएगा तुरंत। इसी तरह से पलट दीजिए एकदम पकड़ के दोनों से, हल्का जहां सा रेड हो गया उसको उठा दीजिए तुम्हें ऐसे करके, और इसको पूरा जो इसका शरीर में तेल है उसको पूरा गार दीजिए, और निकाल के ठंडा होने दीजिए। देखिए दोस्तों अब लास्ट हो गया, मेरा सब बन के ख़त्म हो गया अब। और अपना घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बना के ट्राई करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।